इधर ग्वालियर में रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश को जीत दिलाने पर कार्यक्रम रखा गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए। एयरपोर्ट के बाहर रणजी फाइनल जीतने का जश्न मनाया गया, तो रणजी टीम के खिलाड़ियों के माता पिता से मिले सीएम शिवराज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी की क्रिकेट टीम को बधाई दी है, टीम सदस्यों के परिजनों को सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। टीम के सदस्य अंकित शर्मा के पिता नागेंद्र शर्मा को सम्मानित किया है। विक्रांत भदौरिया के माता पिता संगीता राजेश भदौरिया को सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी ट्रॉफी पर कब्जा कर इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खिलाड़ियों के परिजनों और कोच का ग्वालियर पहुंचने पर पुष्पहार पहनाकर सम्मान किया। ग्वालियर एयरपोर्ट पर आयोजित एक समारोह में सीएम ने सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 41 साल की चैंपियन मुंबई को हराना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने सभी मैच जीते, कोई नहीं हारा, केवल एक मैच ड्रॉ हुआ। उन्होंने टीम में शामिल ग्वालियर के दो खिलाड़ी अंकित शर्मा और विक्रांत भदौरिया के परिजनों और कोच का सम्मान किया। पहली बार मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती है। हमारे बच्चों ने कमाल का प्रदर्शन किया। सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन, उनका स्वागत अभी तो शब्दों से कर रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टीम का नागरिक अभिनंदन होगा, पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा।